हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो दोस्तों, टाटा आईपीएल 24 में जो मुकाबला खेला गया है कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच में, इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत लिया है। इसके बाद क्या है, पांच टेबल में हलचल मच चुकी है और मुंबई इंडियंस का सफर समाप्त हो चुका है, ऐसा लोगों का कहना है। जहां दोस्तों अभी भी वैसे मुंबई इंडियंस के पास चांसेस है कि टॉप फोर में जगह बना पाए। तो दोस्तों इसी के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आईपीएल से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट लाते रहते हैं। तो दोस्तों बात करें एमआई और केकेआर के बीच जो मुकाबला खेला गया है, इस मुकाबले में हमेशा से एमआई आगे थी, क्योंकि बता दें केकेआर के बेहद ही ज़्यादा जल्दी जल्दी विकेट गिर गया था, लेकिन इसके बावजूद भी यह मुकाबला केकेआर जीत गई है। जी हाँ दोस्तों, आखिरी बार लगभग 2012 में जीती थी केकेआर यहाँ पर मुकाबला वानखेड़े में मुंबई इंडियंस के खिलाफ, और फाइनली फिर से जीती है केकेआर। उस वक्त जब कप्तान थे केकेआर के गौतम गंभीर और इस वक्त मेंटोर है केकेआर के गौतम गंभीर। तो दोस्तों गौतम गंभीर बेहद ही लकी साबित हुए हैं केकेआर के लिए। तो दोस्तों बता दें कि 169 रनों को डिफेंड कर दिए केकेआर एमआई के सामने। बता दें कमाल की गेंदबाजी हुई है सुनील नारायण की तरफ से, वरुण चक्रवर्ती की तरफ से, आंद्रे रसेल की तरफ से और मिचेल स्टार्क भी, और रोहित शर्मा जैसे बड़े बल्लेबाज सस्ते में आउट हो गए। ईशान किशन की बात करें, टीम डेविड की बात करें, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा एमआई को और यह मुकाबला हार गई। तो दोस्तों अब बात करें कैसे एमआई अपना जगह पक्का करेगी टॉप फोर में, इसी के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे अभी लेटेस्ट पॉइंट टेबल के क्या है, यार कौन सी टीम किस स्थान पर है। तो दोस्तों बता दें कि सबसे पहले नंबर एक पर है राजस्थान रॉयल्स, जो कि 10 मुकाबला खेल चुकी है, 8 जीती है और मात्र 2 मुकाबला हारी है, पॉइंट से 16। और बता दें कि पहली टीम लगभग बन चुकी है जो कि प्ले ऑफ में पहुंच चुकी है। इसके बाद नंबर दो पर है केकेआर, जो कि 10 मुकाबले खेलकर 7 जीते हैं, 3 हारे और पॉइंट से 14। केकेआर भी प्ले ऑफ के बेहद ही करीब पहुंच चुके हैं। इसके अलावा नंबर तीन पर है लखनऊ सुपर जायंट, जो कि 10 मुकाबले खेलकर 6 जीते हैं, 4 हारे हैं और पॉइंट से 12। इसके अलावा नंबर 4 पर है एसआरएच, जो कि 10 मुकाबले खेलकर 6 जीते हैं, 4 हारे और पॉइंट से 12। नंबर 5 पर है चेन्नई, जो कि 10 मुकाबले खेलकर 5 जीती है, 5 हारी है और पॉइंट से 10। नंबर 6 पर है डीसी, जो कि 11 मुकाबले खेलकर 5 जीती है, 6 हारी है और पॉइंट से 10। इसके अलावा बता दें कि नंबर 7 पर है पंजाब, जो कि 10 मुकाबले खेलकर 4 जीते हैं, 6 हारे हैं और पॉइंट से 8। इसके अलावा नंबर 8 पर है जीटी, जो कि 10 मुकाबले खेलकर 4 जीते हैं, 6 हारे और पॉइंट से 8। और नंबर 9 पर एमआई, जो कि 11 मुकाबले खेलकर 3 जीती है, 8 हारी है और पॉइंट से 6। और नंबर 10 पर है आरसीबी, जो कि 10 मुकाबले खेलकर 3 जीते हैं, 7 हारे और पॉइंट से 6। तो दोस्तों यह है अब लेटेस्ट पॉइंट टेबल। अब हम सबसे बड़े मुद्दे पाते हैं कि एमआई कैसे प्ले ऑफ में पहुंचेगी यहां से। तो दोस्तों बता दें कि एमआई के पास अभी बचा है 3 मुकाबला और ऑलरेडी उनका 6 पॉइंट्स है। अगर तीनों मुकाबला एमआई जीत भी जाती है तो उनका 12 पॉइंट्स होगा, और 12 पॉइंट्स पर आसान नहीं होता है कि टॉप फोर में जगह आसानी से बन जाए। इसके लिए दुआ करना होगा कि ऊपर की टीम ज्यादातर मुकाबला हारे। ऐसे में जो 3 स्थान है टॉप 3, उसमें तो अब एमआई की जगह नहीं बनने वाली है, आखिरी स्थान में उसी पर लड़ाई रहने वाली है एमआई के लिए। थोड़ा वो चांसेस है तो वहीं से चांसेस निकलेगा एमआई के लिए। तो बता दें कि सबसे नीचे जो नंबर 4 पर है एसआरएच है, ऐसे में एसआरएच को उम्मीद करना होगा ज्यादा से ज्यादा मुकाबला हारे। अभी एसआरएच का 4 मुकाबला है, उम्मीद करना होगा कि चारों मुकाबला हार जाए, क्योंकि ऑलरेडी उनका 12 पॉइंट्स हो चुका है। अगर एक भी मुकाबला जीतेंगे तो वो एमआई से निकल जाएंगे आगे और एमआई के खेल हो जाएगा खत्म। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग भी सभी मुकाबले हारे, ऐसा ही उम्मीद करना होगा। फिर उम्मीद करना होगा कि डीसी भी कुछ मुकाबले हारे और पंजाब भी, क्योंकि वो अभी थोड़ा बहुत गेम में है अभी, और आरसीबी भी गेम में है। तो इस वजह से ही जगह बन सकती है मुंबई इंडियंस के, लेकर बहुत से ज़्यादा कैलकुलेट करना होगा कि कौन सी टीम जीते कौन सी टीम हारे, तब जाकर जगह बनेगी मुंबई इंडियंस का। लगभग समझ जाइए कि बाहर ही है यहाँ से, बेहद ही कम उम्मीद है। लेकिन बता दें कि 2019 में राजस्थान रॉयल्स 12 पॉइंट्स के साथ गई थी टॉप फोर में, लेकिन उस वक्त उनका नेट रन रेट बेहतर था। लेकिन एमआई की इस वक्त दिक्कत यह है कि उनका नेट रन रेट भी खराब है, ऐसे में और भी मुश्किलें बढ़ गई है एमआई के लिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या एमआई का अब सफर खत्म हो चुका है आईपीएल 2024 में, या अभी भी कहीं पर उम्मीद है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।